पहले आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, और सभी चैनल के श्रोता हैं, दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं पहली बार मुंबई में शूट करने के लिए आया फिल्म तोहरा अखिया के काजल हमारी जान ले गई, और उसी सेट पर तूफान सर से हमारी मुलाकात हुई और ये हमारे काम को देखे और पहली फिल्म जो है इनके माध्यम से हमें मिला। तरन्नुम आर्ट्स के माध्यम से इन्होंने मुझे साइन किया और फिल्म का नाम है काला दिल पे दिल आ गए, रोमांटिक फिल्म है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैं बिहार गोपालगंज से हूँ और एक गायक हूँ, और गायक से नायक की तरफ ये हमारी चौथी और पांचवी फिल्म। पहली फिल्म अभी हमारी रिलीज हुई है बिहार में आर्मी की जंग, दूसरी कंप्लीट है मनमा छठी माई की, और तीसरी के शूट के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी फिलहाल में शूट है, आज दीपावली के दिन जो काम बंद है शूटिंग तो ना किया, एक आज हमारे जान ले गए, और ये चौथी और पांचवी हमारी। अभी आपने फिल्मों के नाम सब यूनिक नाम है, कहीं काजल है, कहीं काला तिल है, बगल वाली है, तो ये सब कितने बढ़िया संयोग है, क्या कहना चाहिए? दरअसल भोजपुरी के जो श्रोता हैं उन्हें इस तरह का टाइटल बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, और रोमांटिक टाइटल लोग पसंद करते हैं, इसलिए सर ने रोमांटिक टाइटल रखा है। इन्होंने रखा तो राखिया काजल हमारे जान ले गई, और फिर ओंकार बैनर के तले आज हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं फिल्म बगल वाली। किरदार के बारे में बताना चाहेंगे? किरदार इसमें दोनों जो फिल्मों में मुख्य भूमिका में हूँ, और एक बगल वाली जान मारे लिए टाइटल ही बता रहा है कि इसमें क्या होगा, कैसे कैसे बगल वाली जान मार रही है, कैसे कैसे प्यार होता है, और दूसरा काला तिल पे दिल आ गई, बहुत खूबसूरत लड़की रहती है उसके दिल पे हम दीवाना हो जाते हैं, प्यार हो जाता है, बस यही सब दोनों रोमांटिक कहानी है। तो बगल वाली कौन है आपके? वही है बगल में जो बैठी है, बगल में बैठी है यही फिलहाल में, तो यही बगल में बैठी है, तो बगल वाली तो यही होगी, और एक बगल में फिलहाल ये संगीत पर मुहूर्त है, और कौन कलाकार कौन सी भूमिका में आएगा वो जो है एक बार दोबारा आपको बुलाया जाएगा, तब जो है उस बात को जो है ओपन करेंगे, सस्पेंस रखेंगे। अभी वो सस्पेंस है। वैसे दोनों जो फिल्में जो जिसका आज दिवाली की मुहूर्त किया जा रहा है, ये दोनों फिल्में रोमांटिक हैं। जैसे मैं बात करूँ काला तिल पे दिल आ गई, वो जो है हीरोइन ओरिएंटेड कहानी है, एक ऐसे जो है लड़की कहानी है जिसको एक लड़की जो है किसी लायक बना देती है, अब वो हीरोइन कौन है, हीरो तो आपके सामने है। और फिल्म की कहानी अगली बार, अगली मीटिंग में। फिलहाल ये संगीत में मुहूर्त है, अभी आपने गाना सुना है, जो गाना रिकॉर्ड हुआ है टाइटल सॉन्ग, वो आप देखेंगे आप खुद ही लग जाएगा कि पूरी रोमांटिक कहानी है, एजुकेशनल विषय पर है, फैमिली वाली फिल्म है, आपको राजश्री की याद आ जाएगी फिल्म की, इससे ज़्यादा कहानी पे जो है कुछ नहीं बताया जा सकता। आपकी किस तरह से कैसे नज़र पड़ गई नागेंद्र जी? देखिए सोशल मीडिया का मैं खिड़ा रहा हूँ, प्यार से करते करते सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं जो है उनके गाने को सुनता रहा, देखता रहा, मुझे अच्छे लगे, तो मुलाकात हो गई, मैंने एक अच्छी आवाज़ और उसका चेहरा भी बीच में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर मेरे रेशमिया बंगाल से एक भिखारन को उठा करके सिंगर बना सकता है, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं दूर दराज गाँव में बैठे हुए, तो हम उनको मुंबई में ला करके उनको मौका क्यों न दें? जी सर, आप कुछ कहना? दरअसल हमारे तमाम गाने सीडी कैसेट के ज़माने से अब तक हिट चले आ रहे हैं, दर्शकों का बहुत प्यार दुलार मिलता है, हमेशा हम लोग मंच भी करते हैं, विदेशों में भी शो करते हैं। पहला मेरा गाना हिट किया था 2014 में, पियो पातर हो जाऊंगा, उसके बाद अखिया फर 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 करता, दिलवा धर तक धर करता, हमारा चूड़िया पर एगो चूड़िहार बलम जी के नाम लिखता, जहाँ बना गए जी ने किया, जितने दिन नियर आता हो उतने मन पगलाता हो, चूड़िया सरापता बलम्बा कजरा सरापता, तमाम गाने मार्केट में हिट किए सीडी के ज़माने में भी और आज डिजिटल के भी ज़माने में। तो इन्होंने मुझे देख लिया कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से, सैकड़ों गाने आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, आप यूट्यूब खोलिए, इनका नाम सर्च करिए, आप देख लेंगे, और जो ये फिल्मों में गा रहे हैं,
जो आज प्लेबैक कर रहे हैं वो भी जो है इनके स्केल में है। हम जो है संगीतकार को भी जो है जो इनके स्केल में जो है कर सकता है उसी से कंपोजिशन कराई है और वही गाना आपको जो है सुनने को मिलेगा। और रहा ये कि हमारे अमित सर जी मेरे बड़े भाई मेरे मित्र सब कुछ है उन्हीं का आशीर्वाद है उन्हीं की प्रेरणा है जो मैं भोजपुरी में इंटर कर रहा हूँ और आज भी उनकी भी फिल्म का है और उनकी फिल्म के बारे में वही बताएंगे। हसन जी आपसे बात करें कि आप ढेर सारी फिल्मों के हिस्सा रहे उसके पब्लिसिटी के लिए आपसे लेकर आती है तो कैसे मन में आया कि अब फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहिए? भैया मैं 1999 में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों बन गया था जब मेरा पहला सीरियल दूरदर्शन पर आया था। तो ये सवाल तो जो है बताना और ये सवाल करना ये पूछना तो मैं समझता हूँ कि जो है मतलब आज जिनको नहीं पता था जानकारी हो गई कि आप मतलब हर फील्ड में अव्वल रहे हैं। पांच सीरियल मेरे आए हैं दूरदर्शन पे एज राइटर डायरेक्टर तीनों में प्रोड्यूसर रहा मेरी फिल्में हैं बहुत सी आज फिल्में जो है लिखा डायरेक्ट किया कई फिल्मों में जो है स्पेशल प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर भी रहा सब बताने की चीज़ नहीं होती है जो कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक है। नेहा प्रकाश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी? अच्छी आर्टिस्ट है अभी यही कह सकता हूँ और अभी ये भी नहीं कहूँगा कि वो फिल्म है या नहीं है क्योंकि अगली मुलाकात में और बाकी बहुत कुछ डिटेल हमारे अनिल जी बताएंगे। मतलब काफ़ी कुछ ऑडियंस के लिए सस्पेंस आप रख रहे हैं ताकि अगली संजार है ना गाना गाइए गुनगुनाइए थिरकिए मनोरंजन कीजिए नाच गा करके अभी उसी में तो स्टोरी लाइन पर हम क्यों जाए फिक्शन पर इसकी क्यों बात करें। नेहा जी आप क्या कहना चाहें पूरी टीम के नमस्कार प्रणाम नेहा प्रकाश की तरफ से और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और हमारे दर्शकों को। जैसा कि सर ने बताया अभी कुछ फिक्स नहीं है रिवील नहीं करना है तो अनिल सर का मैसेज आया कि मुहूर्त में आना है तो मैं आऊँगा और मुझे पता है सर लोगों का आशीर्वाद रहेगा कुछ अच्छा ही होगा। सर के साथ अभी एक फिल्म कर रही हूँ तो अखिया के काजल हमारी जान ले गई और उसमें हमारे को आर्टिस्ट हैं उजाला जी बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके और मेरी आने वाली फिल्म है ससुर बड़ा पैसा वाला 2 और एक डायन बहुत जल्दी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। अनिल सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली मेरी मेहता की तरफ उस पर आज संगीत में मुहूर्त है बगल वाली जान वाली अभी मेरी बैक टू बैक फिल्म आ रही है जबरा सुपरस्टार दिसंबर लास्ट में आ रही है उसके बाद अभी मैं कर रहा हूँ तो त्वरक जान में काजल हमारा जान ले गई ये आ जाएगी फरवरी में उसके बाद ये आ जाएगी एक महीने में तो अभी है काम चलता है बस आप लोग का आशीर्वाद आप लोग का प्यार है हमें संगीत आपकी फिल्मों के टाइटल काफ़ी अलग है इंटरेस्टेड है और दूसरी भी नहीं है बहुत सी फिल्में टाइटल पे भी हिट हो जाती है तो टाइटल जो अट्रैक्टिव होगा देखते हैं अभी टाइटल ही अच्छा नहीं होगा तो पब्लिक कैसा अट्रैक्टिव होगा तो टाइटल में वो तो अट्रैक्शन रहना चाहिए और ये मतलब अपना नगेंद्र जी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है बहुत टैलेंटेड है मतलब वन टेक आर्टिस्ट है क्योंकि मैं तो अभी इनके साथ एक फिल्म कंप्लीट की और अभी दो दिन शूट और लगे होती हूँ कंप्लीट है वो काफ़ी अच्छा बारीकी से काम करते हैं अभी राम केवल जी का भी खेल के कोरियोग्राफ लगाने का तो डर तो फाइट के मन में लेकिन अच्छा हुआ कि और अच्छी फिल्म भी फैमिली ड्रामा फिल्म मेरा कोई गलत रेटिंग नहीं उसके अंदर बहुत अच्छी फिल्म बनी है यार ये भी बहुत टैलेंटेड तो स्टेज आर्टिस्ट है इनको क्या बोलना अभी कुछ कंटिन्यू 4-5 फिल्में कर रही है अभी इनका टाइम भी आ रहा है फिर अभी ये भी अच्छा काजल भी आ जाएगा और मैं चाह रहा हूँ इसमें भी उसको डालने के लिए बगल बगल चाह रहा हूँ आपका भी बात की जाए आप और इनकी जोड़ी जो है काफ़ी बोला आप बड़े भाई मानते हैं क्या कहना चाहिए इनके बारे में? देखिए वो हर इंसान किसी ना किसी को तो आदर्श मानते हैं अब वो मेरे को आदर्श मानते हैं तो भी क्या बोलूँ मैं बोला वो हिंदी बनाने को बोल रहे थे मैं बोला देखिए हिंदी के क्या मिडिल क्लास के बनाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं दो तीन फिल्मों में लॉस खा चुका हूँ पूरी बनाइए कम से कम सेटेलाइट से तो माल आ जाता पता लगाइए अब लेकिन बहुत कुछ बातें होती है जो मतलब इनको अच्छा लगता है मैं समझाता हूँ क्या होता है कि मैं अभी 22 साल का एक्सपीरियंस वाला हूँ बंदा हर चीज़ हिंदी भी गया भोजपुरी भी गया गुजराती भी कर रहा हूँ जो भाषा के प्रयोग मिलता करता हूँ जरूरी नहीं है कि मैं हिंदी कर रहा हूँ तो भोजपुरी नहीं करूँगा
अगर भोजपुरी कर रहा हूँ तो हिंदी नहीं मिलेगा, सब बाधा करता हूँ। देख आदमी को टैलेंट है तो कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो। मेन होता है कि मतलब मन बनाना कि क्या भाई मतलब करना है, दिल से करना है। और हम लोग का देखिए कोई एक टीम वर्क होता है, हम लोग एक टीम वर्क है, मिलजुल के कर रहे हैं, भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, एक टीम होता है। और एक जब अच्छी टीम बनती है तो अच्छी फिल्म बनती है, और अच्छी फिल्म बनेगी तभी दर्शकों को पसंद आएगा। तो आपका भी टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है आपका जो? नहीं, टाइटल सॉन्ग नहीं हो रहा है, ये मतलब एक तरह से पूरा रोमांटिक सॉन्ग है, पूरा दोनों का बेस एक ही है, लेकिन वो रोमांटिक सॉन्ग टाइटल सॉन्ग। उजाला जी थोड़ा सा आप बता दीजिए, आपने जो गाना आज रिकॉर्ड किया है उसके बारे में। आज एक रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, संगीतकार दो सॉन्ग कर रहे हैं ये, और दोनों रोमांटिक है, दोनों को संगीतकार मनोज पंडित जी हैं और गीत लिखे हैं अर्जुन शर्मा। अभी हम लोग रिकॉर्ड एक गाना रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड करने जाएंगे, दूसरा गाना भी रिकॉर्ड करेंगे। उसमें अब टाइटल सॉन्ग है कलातिल के थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं। हो काला तिल पे दिल आ गई, तोहरा तिल पे दिल आ गई। बस इतना ही आदेश मिला है, चूंकि फुल गाना नहीं सुनाना है। हाँ, मैं और गाने आपको सुना सकता हूँ। दरअसल हमारी फिल्म शूट हो रही है, तोहरा अखिया के काजल हमार जान ले गई, उसका एक लाइन गुनगुना दूंगा। और जो सबसे पहले मेरा गाना हिट किया था, जिसकी वजह से मुझे पहचान। दरअसल ये मुंबई में पहली बार शूटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी पहली बार कर रहे हैं। स्टूडियो में तो रिकॉर्डिंग में जाने के बाद कह रहे हैं कि उसको डर लग रहा है। पहली बार मैं बॉम्बे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इतने बड़े स्टूडियो सानुदा जी के, हमारे सानुदा जी के स्टूडियो में। अब तक हम बिहार में गाए हैं, पटना में, बनारस गाए हैं, गोरखपुर, दिल्ली, फर्स्ट बार मुंबई पहली बार, और सानुदा जी के स्टूडियो में गाने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसे लोगों का प्यार मिल रहा है मुंबई में, इसके लिए मैं एकदम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे लोगों का प्यार गुजार मुझे मिल रहा है। मेरा वही फिल्म शूट हो रहा है, तो राखिया काजल हमार जान ले गए, उसका एक लाइन मैं बनाना चाहूँगा। प्यार होता है किसी के आँख के काजल को देखते हैं। तोहरा अखिया के काजल हमारे जान ले, तोहरा अखिया के काजल हमर जान ले गई। फिर ये कह रही हैं, तोहर मीठी मीठी बोलिया मोर प्राण ले गई। फिर मैं कह रहा हूँ, तोरा अखिया के काजल हमर जान ले गई। मेरा गीत हिट गया था सबसे पहले, रोमांटिक सॉन्ग अखिया फर 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 करता, दिलवा धक धक धड़कता। अखिया फर 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 करता, दिलवा धक धक धड़कता। सजनी सजनी हमरा दिल में समा जा, प्यार कर लमन तरसता। अखिया फर 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 करता, दिलवा धक धड़कता। औरतों ने मेरे गीत को सबसे ज्यादा पसंद किया था। एक गीत मेरा ऐसा हिट हुआ कि औरतों ने बिहार यूपी में चूड़ी और कंगन पे अपने हस्बैंड, अपने पियाजी, अपने सैया जी का नाम लिखवाना शुरू कर दिया। अभी ये 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, जबकि जब मेरे यहाँ होता होगा बट मेरे यहाँ नहीं होता था। मेरा गीत हिट किया था कि हमारा चूड़िया पाए हो चूड़िया बलम जी के नाम लिखेगा, कि हमारा चूड़िया पाए हो चूड़िया बलम जी के नाम लिखीदा। उहे हुए हमरा मानी के सिंगार, दिलदार जी के नाम लिखीदा। कि हमरा कंगना पाए हो चूड़िया बलम जी के नाम लिखीदा। तमाम गाने हिट किए, आप लोग का ऐसे आशीर्वाद प्यार दुलार मिलते रहना चाहिए। और जितने भी चैनल यहाँ दिख रहे हैं, हम कहीं न कहीं
लमसम 75% चैनलों के सब्सक्राइबर हैं। इस पे जो कुछ भी पड़ता है हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है, कितने फिल्मों का मुहूर्त, कौन से फिल्में शूट चल रही है, कौन से फिल्में रिलीज हो गई। चैनलों के माध्यम से बहुत कुछ हम यूपी बिहार के लड़कों को सीखने और सुनने देखने को मिलता है। सहृदय जितने भी चैनल्स हैं सबको धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही न्यूज अपडेट करते रहिए फिल्मों के बारे में, ताकि हम लोग देख करके कुछ सीखते रहे, कुछ जानते रहे। छठ पूजा आ रहा है तो छठ पूजा कितने गाने आपके? छठ पूजा के गाने रिलीज हैं। मैं एक पारंपरिक गीत आपको सुना देना चाहूँगा जो घर घर में, क्योंकि बेसिकली छठ की शुरुआत हमारे बिहार से हुई और आज हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में छठ की पूजा होती है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के वासी रह रहे हैं वहाँ पे छठ पूजा है, और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ यहाँ के कल्चर को लोग अपना रहे हैं। इन देशों में हमारे इंडियन कल्चर को, बिहार के कल्चर को, उत्तर प्रदेश के कल्चर को लोग अपना रहे हैं, वैसे वेशभूषा लोग पहन रहे हैं। आए दिन आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। तो मैं छठ पर एक गीत गुनगुनाना चाहूँगा, चूँकि पिछले साल मैं साउथ अफ्रीका के युगांडा देश में शो करने गया था, बहुत प्यार दुलार मिला वहाँ पे, मैंने छठ गीत भी गाए थे, सभी औरतें झूम गई थी, क्योंकि वहाँ युगांडा देश में यूपी बिहार के वैसे ही लोग अपने फैमिली को लेकर के आते हैं। तो वही शारदा सिन्हा जी का गीत मैं गुनगुनाना चाहूँगा। चाही बस के बहनिया बहनी लचे गात जाए, बहनी लचे गात जाए, बाट जे पूछे लावटिया।